मित्रों बड़ा बड़े बड़े पत्थर है और इसके बीच में अगर कोई आदमी भी गिर जाए, अगर उसकी पाँव फंस जाए तो निकलना बड़ा मुश्किल है। ये मैं मेरे मित्र को कहूँगा, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी बड़ी बड़े बड़े पत्थरों के बीच के अंदर हम जब उतरते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है। अब भेड़ जब गिर चुकी है, हम प्रयास करते हैं। फोन आ रहा है हमारे पास। हेलो, मैं अभी ऊपर चढ़ता हूँ और उनको हाथ हिलाता हूँ। नहीं नहीं, निकल गया इसके नीचे से, पीछे से भी। ये तो बीमारी तो नहीं। पशुपालक यहाँ भेड़ लाते हैं तो ये भेड़ ये पत्तियां खाने को आई थी और ये पहाड़ियों के बीच में ये फंस गई है। हम इसका रेस्क्यू करते हैं और हमारे मित्र हैं सुरेश जी से मैं कहूँगा हमारी मदद करें। और अगर ये भेड़ हमने नहीं निकाली तो हो सकता है रात को कोई जानवर इसको खा सकता है, तो हम प्रयास करते हैं इसको रेस्क्यू करके बाहर निकाल दें तो अपने घर चली जाएगी। अगर मैं या हम और सुरेश जी नहीं पहुंचे तो हो सकता है रात भर ये चिल्ला भी सकता, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा आदमी नहीं था जिसके हम कैमरा ऑन नहीं रख पाए। तो हमने देखो ये पैर घायल हो गया है, बहुत प्रयास किया है इस भेड़ ने खुद को निकालने का, पैर कट गया है पूरा। ये भूखी है ऐसा लग रहा है मेरे को, तो कई दिनों से यहाँ पर फंसी हुई थी जिस तरह से ये मिंगनियां पड़ी हुई परेशान होकर के। तो हम अचानक इस इलाके में पहुंच गए और हमने इस भेड़ को रेस्क्यू किया। अब इसको हम मित्रों, यह नदी का वह मुहाना है जिसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर है वह छितरे हुए टूट के, इसके बीच में यह भेड़ जो किसी चरवाहे की है तो वह समूह में आई लगती है, लेकिन वो समूह पूरा निकल चुका है और यह पीछे रह गई थी। अब इसकी हड्डी भी सामने निकल गई है दोस्तों, हमने इसको भी बाहर निकाला है मेरे मित्र शामवीर सिंह जी के साथ में। तो ये घबराहट में इसके पूरा मल भी निकल चुका है और यहाँ इसके हड्डी निकल चुकी है। तो यह कब से है पता नहीं है, जब हमने इसको बाहर निकाला उसके बाद में इसको भूख लगी हुई है। तो हो सकता है यह एक दो दिन से हो मालिक इसको ढूंढ रहा हो। और यह इस पत्थरों के बीच में थी, कुछ पत्थर हमने हटाए और कुछ हमने इसको पीछे लिया तो इसका पाँव निकल गया, लेकिन पाँव की कंडीशन बहुत ख़राब है दोस्तों। ये इसकी हड्डी निकल चुकी है। अब हम प्रयास करेंगे इसको बाहर ले जा कर के रखने का। तो हम इसलिए बाहर ले जाना नहीं चाहते हैं कहीं कोई जंगली कुत्ते इसको काट नहीं दे, फिर भी हम प्रयास करेंगे गांव में इसकी सूचना देंगे। और गांव नज़दीकी है तो अब हम भी थोड़ा विचार कर रहे हैं इसको क्या करें, बाहर रखें या नहीं रखें। शामिर जी क्या इसको बाहर रखेंगे, क्या करेंगे? ये देखेंगे बाहर रखे चलने फिरने लायक है और तुरंत इसको गांव वालों को सूचना दे देंगे। तो हम इसकी सूचना अभी हम सुबेर को फोन करेंगे कि वहाँ किसी की भेड़ गायब है तो यहाँ पर है और वो रूपसी की नजर आ रही है, तो रूपसी होके निकलेंगे तो हम रूपसी में भी सूचना दे देंगे। ऐसा है, हम अभी सूचना तो इसकी हम लोधरवा में कर ही देते हैं। हाँ। और इसको शायद यहीं रहने दो, नहीं तो बाहर इसको कुत्ते जंगली कुत्ते हो सकता है नुकसान पहुंचे, लेकिन ये यहाँ कहीं नहीं जाएगी। एक बार इसको खड़ा करके देखते हैं कि खड़ी हो सकती है, एक बार प्रयास करो ये खड़ी हो सकती है। इसकी हड्डी टूटी हुई है। टूटी है? हाँ, हड्डी टूट चुकी है, हड्डी बाहर निकल चुकी है। थोड़ा इसको आगे खिसका दो प्लेन जगह में कहीं, फिर पत्थरों में नहीं प्रयास फंस जाए। और हम ये प्रयास करेंगे कुछ टहनियां इसको तोड़ के डाल देंगे तो इसकी भूख थोड़ी शांत हो जाएगी, ये भी प्रयास करेंगे हम। श्याम जी खड़ी हो रही है क्या ये? हाँ कोश, हाँ हो जाएगी, ये चल सकती तो है। मैं इसको बाहर लेता हूँ श्याम जी, आप अकेले उठा सकते हो क्या? मैं प्रयास करता हूँ, ये घबराई हुई है श्याम जी। हाँ ये घबरा रही है, इसका मैं प्रयास करता हूँ। हो सकता है कई दिनों से भूखी हो इसलिए प्रयास करता हूँ, ये तो भूखी है लेकिन बाहर। हाँ प्रयास करो इसको उठा करके। इसके क्या है कि भुरट लगे हुए, भुरट होते हैं ना श्याम? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सावधानी से आप निकाल देखिए। तो हम ये भेड़ को रेस्क्यू किया है बहुत मुश्किल से और नहीं तो ये बीच में इसमें फंसी रहती। हमारे मित्र सुरेश जी की बहुत बहुत मेहरबानी कि ये भेड़ की जान बचाई है आज, तो अभी कमजोर हो चुकी है लगता, कई दिनों से फंसी हुई थी ये। तो अगर ये चल सकती है तो अपने घर पहुंच जाएगी, अगर नहीं चल सकती है तो हम गांव वालों को बोलेंगे। यह श्याम जी चलने के काबिल हो जाएगी थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है। हाँ ये छोड़ देंगे तो घर पहुंच जाएगी। इसके
अब है बहुत, अब छोड़ दो, अब ये घबराई हुई भूख हो सकती है, इसको भूख लगी हो। हम कुछ प्रयास करते हैं इसको कुछ खाने के लिए दे देते हैं, टहनियां तोड़ के। बिल्कुल बिल्कुल, इसके आगे लागे डालेंगे और कुछ अगर हमारे को कुछ मिल जाते हैं चरवाहे तो उनको सूचना देंगे कि एक बार आप फोन लगा दीजिए सुमेर को। हाँ, मैं एक बार सुमेर को फोन लगाता हूँ। श्यामल जी, आज तो कोई अपने हाथ से कोई, बिल्कुल ये बहुत ही पुण्य का काम जो आप कर रहे हो, नहीं तो ये भेड़ मर सकती थी। तो मैं फोन लगाता हूँ और प्रयास करता हूँ। सुमेर फोन उठाता है, क्या करता है। तो दोस्तों, इस समय आप देख रहे होंगे हमारे मित्र ने इस भेड़ को रेस्क्यू करके बाहर ले आए। हाँ सुमेर जी, और फोन पे सूचना दे रहे हैं गांव वालों को। हर्ष बोल रहा हूँ मैं, एक भेड़ है वो इस नदी के बीच में फंसी हुई थी, मैंने उसको निकाल तो दिया है बाहर, पाँव में उसकी जो चोट आई हुई है, ऐसा कोई नहीं है पास में। ये नदी के बीच में फंसी हुई थी, हमने निकाल तो दी है। जो ये ग्रिप वाला बना हुआ ना आपके, इसके पीछे की तरफ, अब किसकी है ये मुझे पता नहीं है, मैंने बाहर निकाल दी इसको। पत्थरों के बीच में फंसी हुई थी, अकेली थी, कमजोर है, ये चल नहीं सकती है। नहीं चल नहीं पा रही, इसकी शायद हड्डी निकल गई है पाँव की बाहर, और इसके लाल निशान किया हुआ है पीछे की तरफ। ये ग्रिप का जो स्टेशन है ना, इसके पीछे की तरफ नदी का मुहाना है, वो बहुत ही गहरा है, उसके अंदर ये पत्थरों के बीच में पड़ी हुई थी। मैंने और श्यामवीर जी ने इसको निकाल दिया है बाहर, ये घबराई हुई है, अब ये खड़ी नहीं हो पा रही है, खड़ी होने का प्रयास कर रही है, गिर रही है वापस। ठीक है, अपने किसी बंधु की या तो बोलो, नहीं तो रात को कुत्ते खा जाएंगे इसको। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये गाँव में सूचना कर दी है हमारे मित्र सुरेश जी ने, और ये भेड़ किस भेड़ पालक की है तो वो उसको ले जाएगा, अभी ये सूचना पहुंच तो चुकी है। जी, मैं इसको कुछ खाने के लिए। हाँ तो हाँ, ये तो खाएगी नहीं शायद, ये तो जाल करते हैं, प्रयास करते हैं, अभी भूखी है ना, तो ये अगर खाती है तो देखते हैं। तो दोस्तों, ये भेड़ है रेस्क्यू करके बाहर निकाला है गांव वाले, अभी ले जाएंगे, फोन पर सूचना दे दी है, और ये भूखी बहुत है और प्रयास कर रहे हैं हमारे मित्र इसको कुछ खिलाने का। बेर के हम वो तोड़ के लाए तो ये ज्यादा, ये जाल है, जाल भी खा रही है। प्रयास करो तोड़ ले तो इसको खाने के लिए हम दे रहे हैं कुछ के, इसकी अगर भूख शांत हो जाए, ऐसा लग रहा है कई दिनों से ये भेड़ फंसी हुई थी, तो ये कुछ खा लेगी तो इसमें जान आएगी, तो ये अपने घर तक खुद भी जा सकती है। वैसे गांव में सूचना दे दी है, तो जिसकी भी होगी वो मालिक जल्दी ही आने का इसको ले जाएगा यहाँ से। उसने भी ढूंढने का प्रयास तो करते हैं भेड़ पालक, लेकिन इस जगह नजर नहीं जा सकती, इतना बड़ा विशाल क्षेत्र है रेगिस्तान का, क्यों कहाँ पर ढूंढे इसको, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमारे मित्र ये सुरेश जी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और एक टहनी भी टूट गई तो इसकी कुछ भूख शांत हो जाएगी। तो ऐसे पशु जंगल में भटक जाते हैं, और उनको उनके मालिक तक पहुँचाना, अपने आप तो पहुँच नहीं सकते, इसमें पत्थर में फंसी हुई थी, या तो मर जाती या कोई जानवर इसको खा सकता था अगर इसकी हम मदद नहीं करते तो। तो इसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है कटीली झाड़ियों को, तो हमारे मित्र के शायद कांटा लगा, क्या हुआ टूट नहीं रही है, क्योंकि भेड़ बहुत भूखी है, जो भी मिल रहा सूखी पत्तियां वगैरह वो उसको खाने का प्रयास कर रही है। तो हमारे मित्र ने देखिए एक पत्थर उठाया और उससे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक टहनी टूट जाएगी तो इसको भेड़ को खाने के लिए, और शायद तोड़ भी लिए मेरे को लग रहा है, टूट गई क्या, प्रयास कर रहा हूं। हाँ, और ये वापस फोन आया, लग रहा है गाँव से आया है। हाँ सुमेर भाई, हेलो हेलो, हाँ सुमेर, हाँ जी, मैं पीछे खड़ा हूँ, अगर कोई आदमी आता है तो मैं अभी खड़ा हूँ 5 मिनट। तो ये पशुपालक का फोन है मालिक का कि कहाँ पर है, के पीछे जो है ना ये नदी का मुहाना है, उसमें बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, वो लोकेशन मैंने बाहर निकाल दिए मैंने, तो वो लोकेशन पूछ रहे हैं किसान। रोड पे ये जो ये पंखा है ना फर्स्ट वाला, इसी की लाइन में ग्रिप के पीछे थोड़ा आ जाए तो मैं बता दूं उसको, एंगल बता दूंगा तो मैं सामने आ जाऊंगा। तो वो लोकेशन पूछ रहे हैं, गांव काफी दूर है, कि भेड़ कहां पर है, तो मालिक आ रहे हैं इसको लेने के लिए। तो सूरज जी, अब भले ही मत तोड़ो, मालिक आ जाएंगे घर पे कुछ खिला देंगे, अगर टूट जाए इजीली तो ठीक है।
तो मित्रों देखिए ये भेड़ कुछ भी देते हैं इसको खाने का प्रयास करती है, और अभी इसके मालिक आते ही होंगे, तो मालिक आएंगे तब उसका भी हम एक वीडियो आपको वो ले जाते हुए आपको दिखाएंगे। तब तक ये भेड़ यहीं पर है, वो आते ही होंगे, तो हम उनको लोकेशन बताने का प्रयास करते हैं मालिक को। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, हमारे मित्र सुरेश जी जो भेड़ पालक है उनको लेके आ रहे हैं और ये अब लेके जाएंगे, तो हम इनसे बात करते हैं। भैया ये आपकी भेड़ है? तो कितने दिन से गायब थी? पता नहीं, हम तो बरात में गए थे, कल आए हैं, आज सबको आज है। तो लग रहा है ये कई दिनों से गायब थी है। आपने पहचान ली है? तो आपने इसको ढूंढने का प्रयास किया था क्या? नहीं, अभी तक संभाली नहीं हमारे। अच्छा, गए थे, अभी आए हैं बारात। अच्छा, ये देखिए मित्रों, ये शादी में गए हुए थे बारात के अंदर, तो इनको पता नहीं था कि मेरी एक भेड़ गायब है, तो अभी इनको ये भेड़ मिल गई है इसको। और देखिए भेड़ की क्या हालत है, आप देख लीजिए, ठीक हो जाएगी? और ये बहुत भूखी है, इसको जाके कुछ खिलाना। दाना डाल देंगे इसको तो। हाँ, तो इसको कैसे लेके जाओगे? चल जाएगी, नहीं लाएंगे ट्रैक्टर वगैरह। अच्छा, मोटरसाइकिल पे लेके जा सकते हो आप इसको। हाँ। तो काफी चोट लगी है, पत्थरों के बीच में फंसी हुई थी, तो बहुत मुश्किल से निकाला है। तो दोस्तों ये मालिक तक हमने इस भेड़ को पहुंचा दिया है, तो अभी अपने घर लेके जाएंगे, इसको चारा वारा खिलाएंगे। तो अब हम जी अपन चलते हैं, और अब हम चलते हैं, भेड़ का रेस्क्यू सफल रहा है। और देखिए अभी भी उठने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये उठ नहीं पा रही क्योंकि चोट लगी है, कमजोर भी हो गई है, ऐसा लगा कई दिनों की भूखी है ये। ठीक है सुरेश जी, ओके अब हम चलते हैं।